सिंगरौली में गोपद नदी पर पुल बनाए जाने की मांग ग्रामीणों ने तेज कर दी है। बताया जा रहा है पुल निर्माण नहीं होने के कारण कई गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने शिवराज सरकार से पुल निर्माण की मांग की है। पुल नहीं बनाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चितरंगी तहसील के कोसर ग्राम के ग्रामीणों का कहना है कि गोपद नदी पर यदि पुल बन जाता है तो कई गांव के लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव हेम प्रताप तिवारी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो। तिवारी का कहना है कि पुल का निर्माण होने से दो जिले और दो विधानसभा आसानी से जुड़ सकेंगे और कोसर से सीधी बहरी मायापुर आने वालों के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि पहले भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में पुल निर्माण की मांग की गई थी, जिसके बाद अब शिवराज सरकार से भी मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल निर्माण का कार्य नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। पिपरा कोरसर गोपद नदी में जो पुल की मुहिम चलाई जा रही है, इसमें हम ये चाहते हैं कि लौवार कोरसर पिपरा के गोपद नदी में पुल बन जाने से दो विधानसभा, दो जिला, दो प्रांत जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मेरे द्वारा एक आम सभा भी की जा चुकी है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय लल्लाराम पांडे जी और तमाम पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। इसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी जो थे, उनको मेरे द्वारा पद दिया जा चुका है। पूर्व मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी को पद दिया जा चुका है और पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी को भी पद दिया जा चुका है। इसके साथ साथ आज वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से मेरी मांग है कि अतिशीघ्र पुल गोपद नदी में बनाई जाए। पुल जो कोरसर और लवार पिपरा के बीच में जो पुल है, गोपद नदी बीच में हम लोगों को अड़ंगा डालती है, तो सिंगरौली जिले का ये लास्ट छोरा है और सीधी जिले का भी लास्ट है। दोनों का यहीं से विभाजन होता है, इधर सिंगरौली है गोपद की और उधर सीधी जिला है। हम लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि यदि ये पुल नहीं है तो हम लोग यहाँ से 15-20-25 किलोमीटर जाते हैं तो बारी पहुँचते हैं, जबकि यहाँ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, तो हम लोग 15-20 किलोमीटर राउंडिंग करके जाते हैं। यदि यह पुल का निर्माण हो जाता है, किसी तरह से बन जाता है, तो हम लोगों को यहाँ की जनता को बहुत लंबी उपलब्धि मिल जाएगी, विकास होगा। इसके पहले जब यहाँ पर मंत्री जगन्नाथ सिंह जी थे तो उनके द्वारा ये चर्चा के दौरान हम लोग सब लोग मेहनत किए थे, उनसे चर्चा किए थे, तो हम लोगों का आश्वासन दिए थे कि नहीं, इसका प्रपोजल चल रहा है, हम प्रयास भी कर रहे हैं। और उधर विधायक विश्वामित्र जी थे तो वो भी इस प्रयास में थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।